चलिए हम आपको एक नया ऑफर देते हैं। अजी ये क्या कोई मच्छी मार्केट है जहाँ आप वो क्या कहते हैं बार्गेन करने आ गए हैं? बार्गेन कसम से लड़की तो ये ऐसे मेंढक की तरह घूर घूर के क्यों देख रहा है मुझे? आपकी शादी का आधा खर्च हम उठाएंगे। ठीक तो लग रही हूं? बहुत अच्छी लग रही है। ओफो। मत सोच भाई मत सोच, ये लड़की तेरे स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर की है। अरे पैसे बचेंगे हमारे। हाँ? अच्छा? शादी का आधा खर्चा भी उठा लिया तो कम से कम 20 लाख रुपए बच जाएंगे अपने। अबे यूं औरतों की तरह खुतर पुतर क्या कर रहा है, जो बोलना है सबके सामने बोल। वही वही ताऊ जी, मेरा मतलब है मैं आप लोगों की मर्जी के खिलाफ थोड़े ही जाऊंगा। चलिए हम पूरा खर्चा उठाएंगे। फिर से बन गया मेंढक। पता नहीं इस खुसर बुड्ढे को किस बात की खुजली है। समझ नहीं रहा, शादी में इतनी खूबसूरत लड़की रहेगी सबको अच्छा ही लगेगा ना। हाँ तो बस दुल्हन के दादाजी ने फैसला ले लिया है। क्यों सुरेश? अब प्रोड्यूसर साहब को मिठाई विठाई खिलाओ और विदा करो। एक क्या नाम है तेरा? राकेश। मनोज। हाँ वही। इतने सारे लौंडे पैदा कर दिए सुरेश ने कि नाम ही याद नहीं रहता। ए चल मिठाई खिला। है? मिठाई। हाँ ओके। हाँ क्या डिसाइड हुआ अंकल? शूटिंग वूटिंग नहीं होगी। ओह नो। ओह यस। होती तो बड़ा मजा। या भाभी थोड़ी मिठाई देना। मिठाई? हाँ अभी लाई। हाय दिस इज रितु जोशी। अब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अब आप ये गाना सुनिए, अगले शो पे फिर मिलेंगे। चाओ चाओ दिल के अरमान। अरे गए गए वो। दाजू मिठाई चले गए। अरे गए गए वो तो गए। अरे नहीं यार मनोज अभी भारी गए होंगे वो। जाओ जल्दी जाओ जल्दी। शादी का घर है, मिठाई तो खिलानी हाँ। चाहिए ना। अरे मिठाई खाने वाले बहुत हैं घर में। सुनिए सुनिए सुनिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो ये मिठाई ला रहा था आपके लिए। हाँ? बड़े अजीब लोग हैं आप, पहले धोखा देते हैं फिर मिठाई खिलाते हैं। आप इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। आप अपना ये हाथ हटा लेना तो मैं उठ जाऊं। ओ सॉरी। उठिए उठिए उठिए। मुझे उठना आता है। हमें भी गरीबों को उठाना आता है। ये लीजिए, ये। मैं उठा लूंगी। अरे हमारे हाथ गंदे थोड़ी हैं, देखिए देखिए। ये लीजिए। आप किसी और की शादी कवर क्यों नहीं कर लेती हैं? ये शादियों का मौसम नहीं है। मतलब पूरे बंबई में कोई शादी नहीं हो रही? हो रही है, लेकिन हमें जॉइंट फैमिली की शादी चाहिए और ऐसी शादी सिर्फ आपके यहाँ हो रही है। तो अभी आप क्या करेंगी? आपको क्या करना है? नहीं मतलब, अरे यार करेंगे क्या, ये मेरा पहला चांस था। अब ये लोग मुझे निकाल देंगे। कोई बात नहीं, सब छोड़ छाड़ कर मैं भी शादी कर लूंगी। लगता है ये इंडस्ट्री मेरे बस की बात ही नहीं है। काश ही मेरी शादी होती, मैं तो आपको एकदम हाँ कह देता।
कर लीजिए ना अभी शादी। किससे करूं, कोई है नहीं ना। मिठाई खाइए, मेरी शादी की नहीं, मेरी भांजी की शादी की सही, खा लीजिए। थैंक्स, बाय। जल्दी चल, अंदर पकोड़े पकोड़े चला रहे सब लोग। क्यों देवल जी, किसके ख्यालों में डूबे हो? कुछ नहीं भाभी, ऐसे ही। ऐसे तो नहीं देवल जी, अभी अभी मुस्कुरा रहे थे तुम। मैं ऐसे ही औरतों को देख के मुस्कुरा रहा था। हाय हाय, किसको देख के मुस्कुरा रहे थे तुम? हम भी तो देखे। कौन सी, वो बैंगनी साड़ी वाली? भाभी उस बैंगनी के दो छोटे छोटे बैंगन, एक बड़ा बैंगन है, वो मैरिड है, मैं मर्डर कर दूंगा आपको। अच्छा बाबा, तो फिर तुम ही बता दो, वरना हम तो नए हैं तुम्हारे शहर में, दो दो बैंगन वालियों के साथ ही रिश्ता जोड़ देंगे। अरे भाभी, हमसे कौन रिश्ता जोड़ेगा, नाकारा है, कॉलेज पूरा नहीं किया, ये जिंदगी तो मेरी कुंवारेपन में ही बीतने वाली है। क्यों, हमसे बोलो तो, अभी खड़ी कर देते चार पाँच। अरे जाओ भाभी जाओ, आपकी ये पकोड़े भी मेरी तरह बासी हो जाएंगे, जाइए। अरे भाभी, दिल तो मेरा भी आया लेकिन बड़ी दूर की कौड़ी है। अस्मी गनात्रा जू स्कीम। ये चिपकू यहाँ भी आ गया। हाय, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वो लोगों ने आपको काम से निकाल दिया क्या? ये पूछने के लिए इतनी दूर से आए हो? नहीं नहीं, मैं आपसे एक काम की बात करने के लिए आया हूँ। क्या काम की बात है? यहीं खड़े खड़े कर लें क्या? मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तो कोई मेहमान आता है तो आप उसको बाहर से निकाल देती हैं क्या? आ जाओ। ओह, गिर गया था वहाँ। ओह थैंक्स थैंक्स। घर आपका अच्छा है, मालूम है। थैंक्स ऑल द सेम। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, थोड़ा घर छोटा है आपका। तो आपको क्या करना है, आपको बैठने की जगह मिल जाएगी? हाँ नहीं, नहीं वो तो मिल जाएगी, लेकिन मैं बैठता हूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। बट एनीवे थैंक्स ऑल द सेम। अब जाना, यहीं खड़ा रहेगा क्या? मैं इसलिए आया था, एक आइडिया है मेरे पास। आपको आइडियाज भी आते हैं? वही तो आते हैं, खूब आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन कोई मेरा आइडिया सुनता नहीं। आप अगर मेरा आइडिया सुन ले तो आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा शायद। मैं कपड़े बदल के आता। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी चलेगा। मतलब? मतलब कपड़े क्यों, मैं आइडिया ऐसे भी सुना दूंगा। स्टूपिड, हम प्रोड्यूसर को मिलने जाएंगे बाहर। ओके स्टूपिड, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। या वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे मालूम था आपको ये आइडिया पसंद आएगा। मैं काफी देर से सोच रहा था कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, और फिर बैठे बैठे मुझे अचानक से ये आइडिया आ गया।
किसको आइडिया? तो इसके लिए तो उस घर में आपको किसी से बात करनी पड़ेगी। वो सब करके ही तो आपको फोन किया मैंने। आपका मतलब है कि आप ऑलरेडी उस घर में किसी को बता चुके हैं? यस मैम। वेरी स्मार्ट। थैंक यू मैम। आपको क्या हो गया? आप तो ऐसे ना थे। मैं ऐसे ही था मैम, मैं ऐसे ही था, बस अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। चलो ठीक है, इस पे काम शुरू करो। बट रिमेम्बर, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मैम, 100% नो गड़बड़। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? आपने मेरे आइडिया को अपना आइडिया बना लिया उधर। अरे करना, मेरा आइडिया करना पड़ता है भाई, मेरे करना पड़ता है। आइडिया चुरा चुरा कर ही तो सब बड़े बनते हैं। अरे हम तुम्हें कॉम्पनसेट करेंगे ना यार, जो मदद तुम हमारी कर रहे हो उसके बदले में हम तुम्हें कितना कितना 50,000 देंगे। 50 5 लाख। 5 लाख? ऐसी बात मत कर मेरे यार, ऐसी बात मत कर। 5 लाख? इतने तो शोले के आइडिया के भी नहीं मिले होंगे यार। याद है आपने मेरे भाई को बोला था शादी का आधा खर्चा हम उठाएंगे, 3 लाख होते 3 लाख दे तो खत्म हो गई बात। अरे इसे समझाओ अस्मी, इसे कुछ समझाओ। अरे भैया वो तो मैं खुल्लम खुल्ला शूटिंग की बात कर रहा था, तुम्हारा आइडिया तो चोरी छिपे करने का है। मेरा आइडिया? अरे मेरा आइडिया है। ओह माय गॉड। अभी मेरा आइडिया है? नहीं अब मेरा आइडिया है ये। चलो अंदर। अब मेरा आइडिया हो गया ये। हाय कविता। ओ हाय, क्या हुआ? चैनल वालों को हमारा आइडिया पसंद आया। हमारा आइडिया? हमारा आइडिया? हमारा आइडिया? अरे तुम्हारा आइडिया यार। अब फिर हमारा आइडिया? हाय, आई एम कविता। हाय, मैं सीरियल की राइटर हूँ। राइटर? राइटर? राइटर क्यों? तो अभी मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, आज रात को जब मेरे आदमी तुम्हारे घर में कैमरे फिट करने आएंगे तो बस कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैसी गड़बड़? देखो मेरे आदमी तुम्हारे घर में 5 कैमरे लेकर आएंगे और वो ऐसे छुपाएंगे उन्हें कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मान लो खुदा ना खास्ता तुम्हारे घर में किसी को पता चली गया तो उसे समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ओके ओके, तो ये कैमरे में भरेगा कौन? मतलब रिकॉर्डिंग कौन करेगा? रिकॉर्डिंग पे तो अस्मी और कविता बैठेंगे। हाँ तो मेरी भी एक शर्त है। क्या? फिर तो मैं भी बैठूंगा। क्यों? अरे देखने के लिए कि आप लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। अरे शादी रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्या? क्या पता, क्या पता, कुछ भी आप रिकॉर्ड कर लो। मेरे भैया भाभी कुछ रोमांटिक मूड में आप लोग रिकॉर्ड कर लो तो। अरे तुम्हारे भैया भाभी की ब्लू फिल्म नहीं बना रहे हम लोग। मेरे भैया भाभी के बारे में वल्गर बात मत करना, वो लोग ऐसे लोग नहीं है। मान लो अगर आपने वो बना दी, मार्केट में भेज दी ऐसी फिल्म, तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ मुँह दिखाऊंगा, बताओ आप। बोलो आप बोलो। अच्छा चलो चलो, मानी तुम्हारी ये शर्त। लेकिन अस्मी बस ये समझ लो कि ये हमारे सीरियल के सेंसर हैं। लेकिन तुम्हें रिकॉर्डिंग पे बैठना है कि नहीं? तो इससे बोलो कि सेंट लगा के बैठेगा मेरी बगल में। एक फूल के बगल में सेंट लगा के बैठना फूल की इंसल्ट है। और तुम्हारे जैसे फूल के बगल में बैठना भी खुद की इंसल्ट करना है। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे फूल एंड फूल, फूल एंड फूल।